देवराज, आप कैलाश पर जाकर महादेव और माता से बात क्यों नहीं कर लेते? मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आपको क्षमा कर देंगे। नहीं अग्निदेव, समय आने पर महादेव और माता स्वयं इस बात को समझ जाएंगे कि मेरा उद्देश्य मनसा को हानि पहुंचाना नहीं था, अपितु उसके प्रकोप से सृष्टि को बचाना था। पर वैसे भी ये समय पश्चाताप या प्राश्चित का नहीं है, ये समय है अगली योजना बनाने का। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मैं महाकाली की दृष्टि से दूर रहूं। मुझे समझाने का एक अवसर दे माता। समझने समझाने का समय समाप्त हुआ इन। क्षमा याचना का स्रोत ग्लानी और पश्चाताप होते हैं, भय नहीं। स्पष्टीकरण का समय बीत गया इन। मैं अब तक प्रतीक्षा कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हें आत्मचिंतन का समय प्रदान कर रही थी, किंतु जिस अपराध की क्षमा मांगना तुम्हें योग्य नहीं लगा, अब उसी अपराध का दंड भोगोगे तुम। माँ बहुत क्रोधित क्यों थी पिताश्री, और माँ है कहाँ? किंतु माता, माता किस पर क्रोधित है? कुछ भयंकर घटित होने को है, हमें शीघ्र ही इंद्रलोक जाना होगा। मैंने किसी से सहायता मांगी, आशा है कि वो मेरे विचारों से सहमत होकर मेरी सहायता के लिए मान जाएं। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा देवराज। ये असुर गुरु शुक्राचार्य को भ्रमित करने के लिए। ये उत्पल विदल को मेरी पुत्री मनसा की हत्या करने को भेजने के लिए। मनसा को भ्रमित कर पाताल लोक पर आक्रमण करवाने के लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए माता। क्षमा करें माता, इंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। दूर हो जाइए अग्निदेव, आप इस मध्य ना आए तो उचित होगा। महादेव, महाकाली को रोकिए, देवराज को बचाइए। मैंने इन्हें प्रायश्चित का अवसर प्रदान किया, किंतु इन्हें अब भी लगता है कि इनके कर्म संसार की रक्षा के लिए थे, जबकि वास्तविकता में ये शक्ति की लालसा और असुरक्षा की भावना में ग्रसित थे। इनके इस भ्रम को तोड़ना आवश्यक था। मनसा का प्रश्न केवल आसन का था, किंतु उसने उसके लिए उसका मार्ग भी ढूंढ लिया। किंतु आप अपने मार्ग से भ्रमित हो गए हैं इंद्रदेव। मनसा ने तो अपने कर्मों द्वारा देवी का स्थान प्राप्त कर लिया, किंतु अब समय आ गया है कि आपको आपके कर्मों का फल प्राप्त हो, और आपके कर्मों के अनुसार तो आप देवराज की उपाधि के लिए योग्य प्रमाणित नहीं होते। इंद्रदेव ने देवराज की उपाधि की गरिमा का अपमान किया है। तुच्छ सोच का धनी देवराज नहीं हो सकता, इसलिए आज अभी इसी क्षण मैं महाकाली इंद्रदेव को देवराज की उपाधि से निष्कासित करती हूं।
मुझे क्षमा कर दीजिए माता, आपने उचित कहा, मैं देवराज के पद के योग्य नहीं हूं, किंतु मुझे मेरी भूल सुधारने का एक अवसर प्रदान करें माता। मैं पश्चाताप करूंगा, मैं अपने खोए हुए विश्वास और सम्मान को पुनः अर्जित करने का प्रयास करूंगा माता, और उसके पश्चात कैलाश आकर आपसे पुनः क्षमा याचना मांगूंगा। तब आप निर्णय ले लीजिएगा कि मैं देवराज पद के योग्य हूं या नहीं। उचित है इंद्र, किंतु एक बात सदा स्मरण रखना, प्रायश्चित और पश्चाताप का मार्ग तभी आरंभ होगा जब तुम अपने हृदय से तिरस्कार और अपमान की भावना का अंत करोगे। अब तुम अपने पद और अपने मुकुट का त्याग करके यहां से प्रस्थान कर सकते हो। महादेव, यही वो स्थान है देव, जहां से महाकाली के रूप में मेरी यात्रा का आरंभ हुआ था, और इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं देव। जब तुम्हें लगे कि कुछ भी तुम्हारे वश में ना हो, तब इस बिल्व पत्र को खोल लेना। तब से अब तक कितना कुछ घटित हो गया, किंतु मैं आज भी आपके साथ यहां बैठी हूं। कितना विचित्र आभास है, मानो ये अंत नहीं आरंभ है। मैं बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हूं देव। मनसा के अध्याय से मैंने सीखा कि जीवन में हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उसके लिए कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए और जीवन के हर क्षण को सहेज कर और संजो कर रखना चाहिए। जानती हूँ देव, जब भी कुछ उचित घटित होता है या शांति होती है, तो वो आने वाले संकट का संकेत होता है। किंतु फिर भी देव, मैं इस क्षण की अनुभूति पूर्ण आनंद के साथ करना चाहती हूँ। माता पिता होने की इस यात्रा में मनसा के अध्याय ने हमें एक नई सीख दी। यदि भी इस शिक्षा के कारण बहुत लोगों को कुछ ना कुछ खोना पड़ा, जैसे कि देवराज इंद्र को अपना सिंहासन, किंतु जब तक वो अपना पश्चाताप करके पुनः लौटेंगे, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। इंद्रदेव को देवराज की उपाधि से निष्कासित करती हूँ। महाकाली समझती है कि मैं इंद्रासन के योग्य ही नहीं, किंतु अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि यदि देवराज पद पर मैं आसीन नहीं, तो कैसे तीनों लोकों में त्राही त्राही मचेगी। पिताश्री, रक्षा कीजिए। कुछ
कुछ कीजिए पिताश्री, माता के अथक प्रेम और मंतव्य से हमें बचाइए। वो कैलाश की प्रत्येक छोटी से छोटी बातों में वो सम्मिलित हो रही है। क्या हुआ गणेश, तुम्हें भूख लगी है? नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। ऐसे कैसे? तुम प्रतीक्षा करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना के लाई।